आज के इस शुभ संध्या में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी शिक्षक वृंद यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच में हमारे अति प्रिय, अति आदरणीय डीईओ मैडम विनती शर्मा बाईडियो और आदरणीय बड़ी दीदी जी, आदरणीय सुशांत भाई जी। तो आज का ये कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य को लेकर रखा गया कि हमारे जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक शिक्षा के शिल्पकार हैं, उनके पास ऐसे कोमल कोमल फूल पहुँचते हैं, कोमल कलियाँ पहुँचती हैं, जिनको शिक्षा देकर, केवल शिक्षा ही नहीं देकर लेकिन अपने स्नेह, प्यार, सद्भावना के जल से वो सींच सींच कर उन पुष्पों को पल्लवित करते हैं, महकाते हैं, समाज को खुशबू देने लायक बना देते हैं। तो इसलिए आज के इस दिन पर तो शिक्षकों का मान सम्मान होना ये बहुत ही ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि आप इतना ऊंचा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि शिक्षक भविष्य के निर्माता होते हैं। बच्चों का भविष्य एक टीचर के हाथ में होता है, जैसा हमारे पहले बाईडियो ने बोला, सुमी बहन ने बोला कि आज जितने भी बड़े बड़े पद पोजीशन पर पहुँचे तो कोई ना कोई टीचर की गाइडेंस में ही वो पल करके, बढ़ करके, पोषित होकर के वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसलिए शिक्षा का तो बहुत ही बड़ा योगदान है समाज को बनाने में। और शिक्षा वास्तव में वो होनी चाहिए जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है कि हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करें, हम ऐसे बालकों को तैयार करें जो कि देश को ऊंचाई पर ले जाए। लक्ष्य तो यही रहता है, ध्येय सबका यही रहता है। तो इसके लिए सर्वांगीण विकास की ज़रूरत है। केवल पुस्तक का ज्ञान देना, किताबी ज्ञान देना, उसको पढ़ करके डिग्रियां ले लेना शिक्षा का केवल यही ध्येय नहीं है, और ये आप सब तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो सर्वांगीण विकास मतलब जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो और आध्यात्मिक विकास भी हो, तब कहा जाएगा कि सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। क्योंकि आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल जो दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग निकल रहे हैं। समाज का थोड़े से समय में यह स्वरूप कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप सब भी महसूस कर रहे हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भी महसूस कर रहा है कि डिग्रियां तो हम ले रहे हैं और आज बच्चे को लक्ष्य दिया जाता है या उसको सामने उसका एक यही एक एम रहता है पढ़ाई का कि मुझे परसेंटेज ज़्यादा लानी है, मुझे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए और सारा फोकस इस बात पर है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और मार्क्स लेने के लिए ही यदि हम पढ़ाई करते हैं
तो वो पढ़ाई कैसी होती है? वो पढ़ाई केवल रटने वाली पढ़ाई है। उसको पढ़ करके एग्ज़ाम दिया, मार्क्स मिल गए, फिर आगे की क्लास में गए, फिर दूसरी पढ़ाई में लग गए, और वो डिग्रियाँ लेकर के फिर बच्चा जो भी बनता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन गए, जो भी बन गए, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन रहा है, तो ये तो बन रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है, उससे भी बड़ी डिग्री है क्या? एक अच्छा मानव बनना। वो मानव जो समाज में ज्योति का काम करे। रवींद्रनाथ टैगोर जी की एक बंगला भाषा में एक कविता की लाइन पढ़ी कुछ, तो उसका मीनिंग ये है, हिंदी में मैं थोड़ा बता रही हूँ, कि ढलते हुए सूरज ने संध्या को बोला कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, अभी इस संसार को प्रकाश देने का काम कौन करेगा, मेरे काम को आगे कौन बढ़ाएगा, वो बताओ। तो सभी चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संध्या के बाद तो क्या होना है, अंधकार ही होता जाएगा ना। तो एक छोटी सी झोंपड़ी से एक नन्ना सा दीपक बाहर आया और उसने कहा कि मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो वास्तव में यदि समाज का हर व्यक्ति ऐसा बन जाए, एक दीपक के माफिक बन जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे समाज को बदल पाएंगे, बदल भी पाएंगे जब एक दीपक से अनेक दीपक जग जाएगा, लेकिन हमें खुद दीपक बनना है। इसलिए शिक्षा का हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम ऐसे दीपक तैयार करें जो समाज में अपने मूल्यों की चमक फैलाए। नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे डिग्री लिए हुए लोग परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे हैं। यदि ऐसे समाज के लोग तैयार हो जाएं, तो वृद्धाश्रमों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज सुनकर के बहुत अजीब लगता है, कोई समय पहले, कुछ वर्षों पहले तक हम लोगों ने ये सुना ही नहीं था कि कोई वृद्धाश्रम भी होते हैं। क्या समाज में वृद्धाश्रम की ज़रूरत होनी चाहिए? क्या एक माँ बाप के बच्चे इतने सक्षम नहीं हो सकते हैं जो अपने माँ बाप को पाल सकें, बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकें? तो ये वास्तव में आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो यदि आप सभी थोड़ा गहराई से विचार करें, तो कहाँ ना कहाँ इसमें शिक्षा का भी कुछ योगदान रहता है, और एक मिसिंग लिंक है शिक्षा में, एजुकेशन में, और वो है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की। क्योंकि शुरुआत जब हम देखते हैं, क्योंकि भारत का नाम बहुत बड़ा है, भारत एक महान देश माना गया है, भारत की संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है, और इसी भारत में आज हमें समाज का ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। तो कोई समय ऐसा था जबकि गुरुकुल प्रणाली थी, जो भारत की रियल शिक्षा पद्धति थी वो थी गुरुकुल प्रणाली। जिस गुरुकुल प्रणाली में बच्चे टीचर के साथ रहते थे, है ना, सुनते हम लोग, वहाँ गुरु होते थे और गुरु की पत्नी, दोनों ही उनमें संस्कारों का पोषण करते थे, और भी जो सारी शिक्षाएं भी देते थे, बाकी संस्कारों को डालने की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। और वहाँ से वो जब पल के बढ़ के तैयार होकर निकलते थे, तो वो समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनकर निकलता था। तो उस समय हम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, कोई शास्त्रों में नहीं है कि कहीं वृद्ध आश्रम था, या कोई अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, ऐसा सुना है? नहीं सुना है ना। तो ये कहाँ था, हमारा ही तो भारत में ऐसा था ना। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आता गया। ठीक है, हमें
औरों से भी हमें जहाँ भी कुछ अच्छाई नज़र आए वहाँ से अच्छाई लेनी चाहिए, हमें समयानुसार परिवर्तन करना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समयानुसार जो परिवर्तन वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमारा जो मूलभूत चीज़ है, हमारा जो फाउंडेशन है वो तो नहीं गुम होना चाहिए, और वो हमारा भारत का फाउंडेशन है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। इसलिए इस स्पिरिचुअलिटी को भी शिक्षा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी एक विद्यालय है, और इस विद्यालय में क्या बताया जा रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज। और इस स्पिरिचुअल नॉलेज में व्यक्ति में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है, श्रेष्ठ संस्कार डाले जाते हैं। जो संस्कार आज विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं वैल्यूज, यानी मूल्य, तो मूल्यों की ज़रूरत है। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, कोई चीज़ की कहते हैं ना इसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से वैल्यू होती है ना। तो वैल्यूज़ यानी मूल्य मतलब जो हमारी जीवन की क्वालिटी को बढ़ा देता है, और वो वैल्यूज़ क्या है, प्रेम, शांति, सद्भावना, सहयोग, अहिंसा, ये सारी वैल्यूज़ हैं, शांति है ना, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं मनुष्य के अंदर हैं, इसको कोई बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, मनुष्य के अंदर हमें है। लेकिन जैसे बताया ना कि बच्चे एक कोमल कली के समान है, तो उसमें हम जैसे डालेंगे, जैसा सिंचन करेंगे वैसा वो पुष्पित पल्लवित होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कच्ची मिट्टी के समान होता है एक बच्चा, बालक, और उसको हम जैसा ढालना चाहें वैसा ढल जाएगा। तो ऐसे शिक्षक का काम एक कुम्हार के समान भी है ना। तो कुम्हार क्या कर देता है, कच्ची मिट्टी से क्या बना देता है, अच्छे अच्छे घड़े बना देता है जो लोगों की प्यास बुझाए, अच्छे अच्छे खिलौने बना देता है, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना देता है जो लोगों के लिए पूजनीय होती है। तो कुम्हार का काम जैसा ही शिक्षक का काम है ना। तो उनमें क्या करना है, अब मूल्यों का सिंचन करना है। तो ये कार्य यदि शिक्षा की पद्धति में भी शामिल कर लिया जाए, और हम ये नहीं सोचें कि ये कहीं ऊपर से जब आएगा तब हम करेंगे, नहीं, यदि हम स्टार्टिंग कर दें अपने आप से, हम ही वो दीपक बन जाएं, हम अपने आप से ही शुरुआत करें, हम अपने स्कूल से ही, चलो स्कूल भी छोड़ो, अपनी क्लास से ही शुरू कर दीजिए कि हम अपनी क्लास के सब स्टूडेंट में को ये आध्यात्मिकता भी ज़रूर बताएंगे। और आध्यात्मिकता क्या है, अपने आप को जानना कि कौन है हम, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, बोल रही, सुन रही हूँ, कौन है ये। तो इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, उस को भी हमें थोड़ा सा समझ करके और उनको बता देना है, ताकि उस जो एनर्जी, उस ऊर्जा पावर में जो मूल्य छिपे हुए हैं, जिसको हम उस शब्द, उस ऊर्जा को हम कहते हैं आत्मा। आत्मा नाम तो सभी ने ही सुना है ना, तो वो आत्मा है जो, और आत्मा में ही मूल्य है। आज क्यों ये मूल्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा को ही भूल गए। कब याद करते हैं आत्मा को, जब कोई शरीर छोड़ देता है, देह त्याग करता है ना, तब शोक सभा रखते हैं कि उसकी आत्मा को शांति देना है, ऐसा करते हैं, 13 दिन तक क्रियाकर्म करते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। परंतु जीते जी कभी ना हम खुद अपनी आत्मा के लिए सोचते हैं, ना हम दूसरे को बता सकते हैं। तो इसलिए ये आध्यात्मिक नॉलेज हमें ये सिखा रही है। आध्यात्मिक नॉलेज मतलब हमें अपने को जानना, नो अबाउट योर सेल्फ, यही है स्पिरिचुअलिटी। तो पहले स्वयं को जानना है, और स्वयं को जब जान जाएंगे तब हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल सकेंगे। अभी तो हम लोग समय निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी निकालना है, अपने अंदर छिपे हुए मूल्यों को भी हमें बाहर निकालना है। और हम जैसा देंगे,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या है कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, है ना? ऐसा तो बोलते हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, एज यू रीप सो शैल यू, एज यू सो शैल यू रीप। तो ये है आध्यात्मिक, कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम दूसरों को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। तो हमें बच्चे, छोटे बच्चे में ये डालना पड़ेगा संस्कार, छोटे से ही हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, तब वो हमें भी बड़ा होकर हमें भी देगा, सबको देगा। और आज हम देख रहे हैं ना कि रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, ये सब चीज़ें जैसे दूर होती जा रही हैं। विद्यार्थी जीवन में मन बच्चा क्या क्या सीख लेता है आज, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना है और अपने आप को भी आध्यात्मिकता से थोड़ा सा जोड़िए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सदैव खुला रहता है। आपके स्कूल में तो फिर भी सप्ताह में एक दिन जो छुट्टी होती है ना, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, सब हमेशा ही खुला है। इसलिए कभी भी आकर के आप भी इस नॉलेज को समझ सकते हैं, और आप कहेंगे तो हम बहनें भी आपके स्कूल में जाकर बच्चों को थोड़ा हम वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगी, अभी थोड़ा सा आपको मेडिटेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन क्या है कि हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना, यही मेडिटेशन है। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे सारे दिन में कितने प्रकार के थॉट्स चलते हैं, जिसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स जब हम क्रिएट करते हैं वैसे वाइब्रेशन फैलेंगे। तो यदि इस एक काम कर लें कि हम मेडिटेशन खुद भी सीख लें, और जब आप क्लास में एंटर होते हैं, हर टीचर यदि ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख ले कि जब भी क्लास में एंटर हो तो आप बच्चों को भी 2 मिनट का मेडिटेशन कराएं, एक साइलेंस का म्यूजिक बजा दें। तो जो आज बच्चे देखते हैं कि बहुत है ना, कैसे हो गए हैं बच्चे, एकदम से शोर करते हैं या डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसका इफ़ेक्ट तो कुछ दिनों में ही उन पर आपको चेंज दिखाई देगा। बहुत सारे स्कूलों में, यहाँ तो बहुत कम है लेकिन बाहर के हम बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि ये काम चालू हो गया है। तो इसीलिए सभी चाहते ही हैं कि हमारे, हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो सब डिसिप्लिन में रहें, यही तो सब चाहते हैं ना। तो ये कार्य हम कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ, मेडिटेशन काफ़ी प्रैक्टिस भी कराएंगे। मेडिटेशन मतलब हमें अपने आप को, अपने थॉट्स पर ध्यान देना है और चारों तरफ के विचारों को हटा लेना है। 2 मिनट के लिए आप अपने अंदर की तरफ झांकना है। अंदर झांकने का मतलब कि शरीर को कौन चला रहा है। इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, ये तो आत्मा नाम सबने सुना है, और आत्मा शरीर में है ये पता है, तो शरीर के अंदर ही है। और उस अंदर में आत्मा को देखें, और आत्मा अंदर कहाँ है, भ्रकुटी में। भ्रकुटी जानते हैं, ये जगह दोनों आंखों के बीच जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देर आप देखेंगे, एक प्रकाश का अनुभव होगा। आत्मा है एक प्रकाश पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उसको फील करना है कि मैं इस शरीर में यहाँ हूँ। एकदम उस समय 2 मिनट के लिए आप इस शरीर से डिटैच होना है कि शरीर से अलग मैं एक लाइट हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ। और जितने भी हैं, जो हैं, सब एक प्योर सोल हैं, सबके अंदर आत्मा है। यहाँ आप जितने भी बैठे हैं सबके अंदर आत्मा है। हम आप सबके अंदर एक आत्मा को महसूस कर रहे हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ जो बोल रही हूँ। तो ऐसा आप अभ्यास करेंगे, और आप जब इन बच्चों को भी, आपके वो भी सब एक, क्योंकि सबके अंदर आत्मा और सबकी आत्मा एक जैसी है। आत्मा का कोई धर्म जाति नहीं है, आत्मा का कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव, सब आत्मा एक समान है, ठीक है? तो 2 मिनट के लिए हम लोग साइलेंस में जाएंगे और अपने आप को महसूस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे। तो आप सभी आँख बंद करके
थॉट्स क्रिएट करेंगे, जो मैं बोलती जाऊंगी केवल आप सारा कंसंट्रेशन उस पर देना है। सभी आंखें बंद कर लें और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, लूज करें। अपने विचारों को बाहर की सभी बातों से हटा लें। थोड़ी सी देर के लिए आप केवल अपने आप को ही देखें और अपने से ही बात करें। कि शरीर को चलाने वाली मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, पूरे एटमॉस्फेयर में ये फैल रही है। मेरे सामने जो भी लाइट रूप में आत्माएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उन सब की भी लाइट तेज हो रही है, वो भी अपनी वैल्यूज को पहचान रहे हैं। पूरा एटमॉस्फेयर पीसफुल, लवफुल, प्योर बनता जा रहा है। खोल ले। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।